मैंने भाइयों, ज्योतिष की एक शाखा प्रश्न शास्त्र, प्रश्न सिद्धांत। इसका फलादेश तीन तरीके से किया जाता है, प्रश्नाक्षर के आधार पर, प्रश्न लग्न के आधार पर, और तीसरा है स्वर सिद्धांत के आधार पर। मैंने भाइयों, एक प्रश्न अधिकतर सुनने को मिलता है, किसी की कोई वस्तु खो जाती है या चोरी चली जाती है तो लोग प्रश्न करते हैं कि फला चीज चोरी हो गई या खो गई, कहां पर है, किस स्थिति में है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, इसके लिए प्रश्न शास्त्र के अनुसार क्या बताया गया है, हो सकता है इस विषय को दो तीन वीडियो में ही स्पष्ट कर पाऊं। पहला वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है, तो आपको कोई जन्म कुंडली का ऐप डाउनलोड करना चाहिए अपने मोबाइल में। अब कोई प्रश्न पूछने आया है कि मेरी फला चीज खो गई है, गुम हो गई है या चोरी हो गई है, उसकी क्या स्थिति है, तो मैंने भाइयों, आप उस समय की, जिस समय वो प्रश्न पूछने आपसे आया है, उस समय की लग्न निकाल लीजिए। और लग्न कुंडली ऐप से बड़े आराम से निकल आती है। लग्न अगर स्थिर लग्न है, यानी वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि की लग्न है, तो चोरी गई वस्तु घर के पास में ही होती है। और अगर चर लग्न है, यानी मेष कर्क तुला और मकर, तो चोरी गई वस्तु घर से दूर चली जाती है और किसी व्यक्ति के पास होती है। अगर लग्न द्विस्वभाव राशि की है, यानी मिथुन कन्या धनु और मीन, इस तरह की लग्न है, तो घर का कोई नौकर सामान्य परिचित व्यक्ति के पास उस वस्तु के होने का आप संकेत बता सकते हैं। लग्न में अगर चंद्रमा है तो चोरी गई वस्तु पूर्व दिशा की तरफ जाती है या पूर्व दिशा में होती है। दशम में चंद्रमा है तो दक्षिण दिशा की तरफ जाती है या दक्षिण दिशा में होती है। सप्तम स्थान में चंद्रमा है तो पश्चिम दिशा में होती है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है तो खोई वस्तु अथवा चोर का निवास स्थान उत्तर दिशा की तरफ होता है, यानी वो वस्तु घर से अगर चली गई है तो उत्तर दिशा की तरफ गई है, ऐसा जानना चाहिए। लग्न पर सूर्य चंद्रमा दोनों की दृष्टि हो तो चोर कहीं बाहर का नहीं होता है, अपने ही घर का होता है। यानी जब कोई वस्तु आपकी चोरी हुई है और आपको पता उसका अमावस्या को लगा है या अमावस्या के एक दिन आगे पीछे का लगा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो चोरी गई वस्तु है वो आपके घर के ही किसी व्यक्ति ने ली है। मैंने भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इस विषय का वीडियो और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें, तभी मैं बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। जय माता की।